हेलो दोस्तों, हेलो, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आप तो देख ही रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर रखा हुआ है मटन और आज हम बनाएंगे दोस्तों मटन की रेसिपी, वो भी बिल्कुल अलग तरीके से। बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है दोस्तों और मुझे तो बहुत पसंद है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 1 केजी के करीब हमने मटन लिया है और अच्छे से इसे धो लिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ रखा हुआ है 1/2 किलो के करीब प्याज को हमने स्लाइस में कट कर लिया है, बिल्कुल पतले पतले। और यहाँ है हमारे मसाले दोस्तों, और मसाले बहुत ही खास हैं हमारे। ये मसाले हैं हमारे फ़ौरन के लिए, यानी कि इसे हम तेल में डालेंगे। तो जैसे जैसे हम डालेंगे आपको बताते जाएंगे। और यहाँ है हमारा सारा मीट का मसाला, जो हमें पीस कर बिल्कुल फाइन तैयार कर लेना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 1 गांठ के करीब मैंने लहसुन लिया था, अच्छे से छील लिया है। 2 इंच के करीब दोस्तों अदरक है, यहाँ 3 से 4 छोटी इलायची है, यहाँ 2 से 3 हमने काली वाली इलायची ली है, 4 लौंग लिए हैं, हल्का सा दालचीनी लिया है, जौंतरी लिया है, ये सूखा हुआ एक लाल मिर्च रखा हुआ है, आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं या हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और यहाँ 2 चम्मच के करीब यहाँ जीरा रखा हुआ है, और यहाँ रखा हुआ है 1 चम्मच के करीब काली मिर्च दोस्तों। सभी ये मसालों को हम अच्छे से मिक्सर जार में डालकर, हल्का सा पानी डालकर इनका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ कुछ मसाले रखे हुए हैं जो कि हम तेल में यूज़ करेंगे, और बाकी भी कुछ मसाले यूज़ करेंगे। तो जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और मौसम भी दोस्तों बहुत ही सुहाना हो रहा है, मैं वो भी आपको बीच में हो सकेगा तो दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ हमारे मिक्सी जार में गया दोस्तों लहसुन और अदरक, और यहाँ सारे गरम मसाले हमने ऐड कर दिए हैं। और ये गया इसमें दोस्तों हमारा एक मीडियम साइज़ का टमाटर, हल्का सा इसमें दोस्तों 1/2 कप के करीब इसमें पानी डाल देते हैं और अच्छा सा इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लिया दोस्तों। सरसों के तेल को सबसे पहले बहुत अच्छे से धुएँदार गरम कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये कुछ साबुत मसाले हैं, इसमें धनिया है, जीरा है, हल्का सा दालचीनी है, 1 से 2 लौंग है, तेज़पत्ता है, जो भी आपके पास गरम मसाला है दोस्तों सारा ले लीजिए और इसमें डाल देते हैं। और सूखी हुई लाल मिर्च भी है। और ये गए हमारे सूखे मसाले, हल्का सा इन्हें हम भून लेते हैं। मसाले हमारे अच्छे से लाल हो चुके हैं दोस्तों, अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का हल्का सा इसे दरदरा खल में कूट लिया है, और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों। 6 से 7 लहसुन की कलियां ली थी हमने, 1 इंच के करीब अदरक लिया था, और 2 से 3 हरी मिर्च लिए थे, और उनको दरदरा कूट लिया है हमने खल में। बहुत ही अच्छा दोस्तों इससे फ्लेवर आता है, आप ज़रूर इस तरीके से लहसुन अदरक और हरी मिर्च को दरदरा कूट कर ऐड करें। हल्का सा इन्हें गोल्डन ब्राउन होने देंगे ताकि इनका फ्लेवर काफ़ी अच्छे से उभर के आए। और ये हमारे लहसुन अच्छे से लाल हो चुके हैं दोस्तों, अब हम इसमें डाल देंगे अपना प्याज। 1/2 किलो प्याज को हमने लंबे आकार में काट लिया था दोस्तों, और बाहर मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है दोस्तों। अच्छे से प्याज को मिला देते हैं। प्याज को दोस्तों हमने अच्छे से मिला दिया है, और अभी इसे हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है दोस्तों, बस 2 मिनट के करीब इसे हमें ट्रांसलूसेंट होने तक भून लेना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। 2 मिनट दोस्तों प्याज को हमने भून लिया है, अब हम इसमें प्याज के हिसाब से नमक डाल देंगे ताकि प्याज हमारा और अच्छे से गल जाए। देखिए दोस्तों, प्याज हमारे अभी बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं हुए हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, कुकर की सीटी को हमें बंद करना है और 1 सीटी हाई फ्लेम पर लगा लेना है प्याज में। इससे क्या होगा कि प्याज बहुत अच्छे से गल जाएगा और ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी बनती है। तो 1 सीटी लगा लेते हैं। और दोस्तों यहाँ हमने 1 सीटी लगा लिया था और प्रेशर निकल चुका है, और आप देख सकते हैं प्याज हमारा बहुत अच्छे से दोस्तों गल चुका है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सूखे मसाले में हमने लिया है 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी है, 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च है अच्छे कलर के लिए, और यहाँ 2 चम्मच के करीब यहाँ पर धनिया का पाउडर लिया है हमने
तो सभी चीज़ें ऐड कर देते हैं और 1 से 2 मिनट मसालों को हम पका लेते हैं। तो सूखे मसाले को हमने 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे अपना मटन दोस्तों, जो हमने अच्छे से धोकर। और अब दोस्तों मटन को हमें 5 से 7 मिनट अच्छे से मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए बीच बीच में अच्छे से मटन की भुनाई करनी है। तो यहाँ देखिए दोस्तों 5 से 7 मिनट के करीब हमने मटन को अच्छे से भुना है और देख सकते हैं आप काफ़ी सारा पानी भी रिलीज़ हो गया है। अब हम इसमें अपना गरम मसाला का, जो हमने पेस्ट तैयार किया था गरम मसाला और लहसुन अदरक का, वो ऐड कर देंगे। और अब दोस्तों मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले डालने के बाद दोस्तों अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, ताकि हमारे मसाले बहुत अच्छे से पक जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे और ऑयल सेपरेट होने तक मसालों को पका लेंगे। तो चलिए दोस्तों ढक्कन को हटाते हैं और ये देखिए, ओ हो हो दोस्तों देख रहे हैं मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। ऑयल देखिए बिल्कुल सेपरेट हो गया है और कलर तो दोस्तों बहुत ही प्यारा आया है। अब चला दीजिए इसे और ये देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पानी रिलीज हो चुका है। और ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। और अब इस टाइम पे अगर आपको इसमें पानी और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पर पानी ऐड नहीं कर रहे हैं। ढक्कन हम इसका लगा देंगे कुकर का और इसे मीडियम फ्लेम पर दोस्तों 2 सीटी आने तक पका लेंगे। तो 2 सीटी लगा लेते हैं दोस्तों, उसके बाद मैं फाइनल रिजल्ट आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना है हमारा मटन। ये देखिए दोस्तों 2 सीटी लगाने के बाद मीडियम फ्लेम पर ये हमारा मटन बनकर बिल्कुल तैयार है दोस्तों। और ओ हो हो कलर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा आया है दोस्तों। चला कर दिखाइए, 1 से 2 टेबल स्पून इसमें हम घी डाल देंगे, इससे स्वाद और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। ओ हो हो दोस्तों क्या टेक्सचर आया है, आप देख ही पा रहे होंगे बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और हमने इसमें पानी भी नहीं डाला था। और ये देखिए मेरा फेवरेट पीस। तो चलिए दोस्तों ये हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छे से गल भी चुका है। तो आप सभी भी इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। और ग्रेवी देखिए दोस्तों कितना ही परफेक्ट बना हुआ है। आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपका भी बहुत अच्छा बनेगा दोस्तों।